हर साल करोड़ों लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, खास करके रेलवे में, जहां 10वीं से लेकर के ग्रेजुएट तक के लिए हर साल हजारों भर्तियां निकलती है। लेकिन इस बार हजारों में नहीं, लाखों की संख्या में रेलवे ने भर्तियां निकाली। रोजगार के मुद्दे पर घिरती आ रही मोदी सरकार ने पिछले साल रेलवे में बंपर भर्तियां निकाली। इतना ही नहीं, इस साल चुनाव से पहले सरकार ने बेरोजगारों के लिए लाखों भर्तियों का ऐलान किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पिछले वर्ष हमने 2.5 लाख लोगों को नौकरी देने का अवसर प्रदान किया था। अगले 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति से होने वाली वैकेंसी और अन्य स्थानों के लिए कुल मिलाकर के 4 लाख लोगों को नौकरी देने का अवसर रेलवे दे रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह घोषणा इसी साल जनवरी में चुनाव से पहले की थी। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की तरफ से यह एक तोहफा था, लेकिन सरकारी भर्तियों का हाल जानने के बाद आप इसे तोहफा कहना पसंद नहीं करेंगे। सरकार भर्ती तो हर साल निकालती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के कारण लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में आ जाता है। एसएससी, सीजीएल और यूपीपीसीएस का उदाहरण ले लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पेपर लीक होने के बाद जून में 10 भर्ती परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की गई थी। जरा सोचिए, जो उम्मीदवार भर्ती परीक्षा के लिए सालों तैयारी करता है और पेपर में बैठने जाता ही है कि पेपर लीक होने के चलते परीक्षा स्थगित कर दी गई है। लाखों उम्मीदवार तैयारी के बाद भी परीक्षा में भाग नहीं ले पाते हैं। खैर, अभी रेलवे का मुद्दा है, इसीलिए इस पर डिटेल से नहीं जाते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा करने के बाद रेलवे ने कई कैटेगरी की तरफ वैकेंसी निकाली। इसमें से सबसे बड़ी भर्ती ग्रुप डी की है, जिसके तहत 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां होनी है। इस भर्ती के लिए देश भर से लाखों लोगों ने आवेदन किया है। इसमें से लाखों उम्मीदवार यूपी, बिहार और अन्य राज्यों के गांव से आते हैं। इस उम्मीदवारों के लिए सिर्फ एक भर्ती नहीं, इनके लिए अपना भविष्य देखते हैं, क्योंकि ग्रुप डी जैसी बड़ी भर्ती 4 से 5 साल में एक बार ही आती है। ऐसे में उम्मीदवार दिन रात इसके लिए तैयारी करते हैं। रेलवे ने 4 लाख उम्मीदवारों के एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए हैं। रेलवे का कहना है कि उम्मीदवारों के एप्लीकेशन इनवैलिड फोटो और साइन के चलते उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है। वहीं उम्मीदवारों का दावा है कि उन्होंने सही फोटो लगाई थी, फिर भी उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। इस पर हमने रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात की तो रेलवे के अधिकारी का कहना है कि रेलवे ने इस एप्लीकेशन की जांच करेगा और रेलवे की गलती होने पर उम्मीदवारों को मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाएगा, जिसकी मदद से उम्मीदवार फॉर्म में सुधार कर सकेंगे। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के और शिकायत करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई तक बताई गई थी। हजारों की संख्या में उम्मीदवार रोज रेल मंत्री पीयूष गोयल को ट्वीट कर अपनी समस्या बता रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती इतनी बड़ी है कि इसके लिए 1.15 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। यह जानकारी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने हमें बताई है। आपको बता दें कि ग्रुप डी के तहत ट्रैकमैन, पॉइंटमैन, कीमैन, गेटमैन, लीवरमैन, शटर, पोर्टर और अन्य पदों की भर्तियां होनी है। इस भर्ती के लिए इंजीनियरिंग से लेकर के मैनेजमेंट तक के छात्रों ने आवेदन किया है, जबकि ग्रुप डी के लिए एलिजिबिलिटी 10वीं और आईआईटी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नौकरियां, विशेष करके सरकारी नौकरी की दरखास्त कितनी ज्यादा है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ महीने पहले आई रिपोर्ट के मुताबिक 2017 और 18 में बेरोजगार दर 6.1% रही है, जो 45 साल में सबसे ज्यादा है। यूपी 2 के दौरान 2011 और 12 में यह 2.2% थी। जब इसकी बड़ी संख्या में भर्ती निकली तो उम्मीदवार मन में एक आस जगी कि इस भर्ती में चयन होने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में जब उम्मीदवार एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद परीक्षा नहीं दे सके तो उन्हें फिर से इस तरह की भर्ती का इंतजार करना पड़ा। कुछ दिनों पहले ग्रुप डी एप्लीकेशन रिजेक्ट का यह मुद्दा बीजेपी सांसद राहुल कासवान ने संसद में उठाया था। उन्होंने संसद में कहा था कि उम्मीदवारों का फॉर्म में सुधार करने का मौका मिलना चाहिए। हमने रेलवे से मेल किया, लेकिन जहां तक कोई जवाब नहीं मिला। फिर 10 अगस्त 2019 को आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक रेलवे ने 4 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट मामले पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। इस खबर का असर और रेलवे ने अपने अगले ही दिन 11 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी करके, और रेलवे ने उस नोटिफिकेशन में कहा था कि फोटो और साइन के आधार पर जिन उम्मीदवारों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है उनकी शिकायत हमें मिली है और हम उन सभी एप्लीकेशन को जांच कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष हर उम्मीदवार को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से 31 अगस्त 2019 तक सूचित कर दिया जाएगा।
सभी उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहें। हालांकि इस नोटिफिकेशन यह साफ नहीं होता है कि मॉडिफिकेशन लिंक आ गया है कि नहीं। रेलवे का कहना है कि एप्लीकेशन के जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला जाएगा। आपको बता दें कि हमारा मानना है कि 4 लाख उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। जब रेलवे ने पिछली बार 5 से 6 दिनों में ग्रुप डी एप्लीकेशन में सुधार करने का मौका दिया, तो ऐसे में एक बार फिर यह होना चाहिए। पिछले साल भी ग्रुप डी की भर्ती निकली थी। ग्रुप डी में 62,907 पदों पर भर्तियों के लिए पिछले साल फरवरी में नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इस पदों पर भर्ती के लिए पिछले स्टेज की परीक्षा 1,17,00,000 उम्मीदवारों ने दी थी। पिछले साल एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने की आखिरी तारीख 5 से 6 दिनों के बाद रेलवे ने उम्मीदवारों के लिए मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिव किया था, जिसके बाद उम्मीदवारों ने अपनी एप्लीकेशन में सुधार करके और अब रेलवे ने जांच का भरोसा दिया है। खैर, अब रेलवे ने जांच का भरोसा दिया है तो उम्मीदवारों को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हो सकता है कि परिणाम उनके पक्ष में हो।